उत्तर प्रदेश के हाथरस में प्रथम मंगल को हादसा हुआ, द्वितीय मंगल भी गुजर गया, मगर मरने वालों के परिजनों के लिए इंसाफ का इंतजार खत्म नहीं हुआ। पिछले 9 दिनों के घटनाक्रम का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि सूरज पाल ने प्रथम मंगल के लिए कार्यक्रम का प्लान किया। पुलिस प्रशासन से उसकी परमिशन ली गई, उसमें लिखा गया कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो संस्था का मुखिया जिम्मेदार होगा। लेकिन प्रथम मंगल को घोर मंगल हो गया। सूरजपाल के कार्यक्रम से निकलते ही हादसा हो गया, 121 लोगों की जान चली गई। सीसीटीवी तस्वीरों में संस्था का मुखिया अपने काफिले के साथ भागता हुआ दिखा। तब तो कार्यक्रम की प्रशासनिक मंजूरी लेने वाला देव प्रकाश मधुकर भी भाग गया था। हादसे के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो पहले एसआईटी बना दी गई, फिर न्यायिक कमेटी बना दी गई। गरीब दलित मजदूर टाइप के 12 लोग पकड़ लिए गए। उधर 125 लोगों से पूछताछ के बाद एसआईटी की रिपोर्ट आई तो पुलिस प्रशासन और आयोजक पर ठीकरा फोड़ा गया। सिकंदरा राव के एसडीएम सस्पेंड हो गए, सीओ सस्पेंड हो गए, एसएचओ सस्पेंड हो गए, तहसीलदार सस्पेंड हो गए, कचौर के थाना इंचार्ज सस्पेंड हो गए, पोरा के चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गए। मतलब पुलिस प्रशासन से 6 अफसर निलंबित हो गए, लेकिन जिम्मेदारों में सिर्फ मुख्य सेवादार गिरफ्तार किया गया। संस्था का मुखिया फिर भी गायब रहा। और इस पूरी घटना के दौरान पहले दिन से राजनीतिक बयानबाजी भी जारी रही। पुलिस की नाकामी पर बयानबाजी हुई, प्रशासन की लापरवाही पर बयानबाजी हुई, बदहाल स्वास्थ्य इंतजाम पर बयानबाजी हुई, आयोजकों की बद इंतजामी पर बयानबाजी हुई, लेकिन कार्यक्रम के आयोजक संस्था के मुखिया यानी सूरजपाल के खिलाफ किसी ने एक शब्द नहीं कहा, सिवाय मायावती के। हादसे के दिन मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और संवेदना जाहिर करते हुए जांच और मुआवजे की मांग की। हादसे के 4 दिन बाद फिर एक पोस्ट लिखा और तब सूरजपाल के पाखंड पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की और फिर एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद लिखा कि सूरजपाल को क्लीन चिट देना दुखद भी है और चिंताजनक भी। जब सूरजपाल के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही, प्रशासन की खामोशी है, सरकार कुछ बोलती नहीं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन सारे चुप्पी ओढ़े हुए हैं, तब सवाल उठे हैं कि 121 मौतों पर सियासी खामोशी का खेल क्या है। आंकड़ों की पड़ताल की गई तो पता चला कि सारा मामला वोट बैंक का है। दरअसल यूपी में कुल आबादी में 21% दलित है। दलितों में सबसे ज्यादा जाटव है, जिनका हिस्सा यूपी की कुल आबादी में 11% है। इसी 11% जाटव वोट से जुड़े सबसे ज्यादा समर्थक नारायण साकार हरि के हैं। यूपी के जिन 16 जिलों के लोगों की मौत हादसे में हुई, उन 16 जिलों में 13% से लेकर 28% तक दलित आबादी है और इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा सूरजपाल यानी नारायण साकार हरि से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मायावती को छोड़कर बाकी दल सूरजपाल के खिलाफ खामोश क्यों है, ये समझिए। दरअसल यूपी में जाटव और अन्य अनुसूचित जाति के वोट फीसदी के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 2014 के मुकाबले 2024 में यूपी में एनडीए के मुकाबले जाटव वोट इंडिया गठबंधन को ज्यादा मिले। उनका जाटव वोट 19% तक बढ़ गया। अन्य दलित वोट भी 41% जैसा भारी भरकम इजाफा इंडिया गठबंधन को और बढ़ा है और इसका सारा नुकसान बीएसपी को हुआ है, जिसे जाटव वोट बैंक में 24% और अन्य दलित वोट में 15% का नुकसान हुआ है। और ऐसी सूरत में जबकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तब ना तो सत्ताधारी दल यूपी में दलितों के बड़े तबके के आराध्य बन चुके सूरजपाल के खिलाफ कुछ कहना करना चाहता है और ना ही विपक्षी दल, क्योंकि यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 8 सीटें पश्चिमी यूपी और अवध की हैं, जहां सूरजपाल का अच्छा खासा प्रभाव है। दूसरी ओर खबर है कि कभी उपचुनाव नहीं लड़ने वाली बीएसपी इस बार उपचुनाव भी लड़ सकती है। यही वजह है कि अन्य दलों की खामोशी के बावजूद मायावती सूरजपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग बार बार कर रही है। आज तक ब्यूरो।